मुंडापांडे रेलवे स्टेशन पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रोकी ट्रेन, तीनों कृषि कानून की वापसी और MSP लागू करने की मांग को लेकर नाराज किसानों ने राष्ट्रीय आह्वान पर ट्रेन रोकी। मंतरा रेलवे स्टेशन पर आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के महानगर अध्यक्ष रणधीर सिंह के नेतृत्व में किसान नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तीनों कृषि कानूनों की वापसी और MSP लागू करने की मांग को लेकर रेल रोको अभियान के तहत रेल रोकी और किसानों की नाराजगी लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर भी दिखी, जहां किसान गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन किसानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए ट्रेन को रोक दिया। काफी देर तक किसान हंगामा काटते रहे, जिसके बाद बामुश्किल किसानों ने रेल को जाने दिया है और रेलवे ट्रैक खाली किया है। देखिए, आज हमारा राष्ट्रीय अभियान है। राष्ट्रीय आह्वान के अंतर्गत आज जो रेल रोको का अभियान है और माननीय श्री नरेश टिकैत जी के आदेश पर ये तुम्हारी प्रोग्राम चल रहा है। हमारा सरकार से यही कहना है कि जो तीन काले कानून इन्हें तुरंत वापस लिया जाए। और आज जो इसमें मुख्य मांग है, जो लखीमपुर में किसानों की जो हत्या हुई है, वो मंत्री अजय टैनी हैं, उसको बर्खास्त जब तक नहीं किया जाए, जब तक ऐसे आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। सरकार हठधर्मी पर है, जब तक सरकार अपनी हट नहीं छोड़ती, किसान अपनी हट नहीं छोड़ेगा। आगे जैसे भी राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश आएगा, उसी अनुसार आगे और भी प्रोग्राम हमारी ब्लॉक इकाई, तहसील इकाई और जिला इकाई मिलकर हम करते रहेंगे। कितनी देर तक आपने रेल रोको अभियान चलाया? देखिए, आज कल से मूसलाधार बारिश हुई है, जिसमें किसान की धान की फसल और तिलहन की फसल लाई लेटा की जो बुवाई हुई है वो सब खराब हो गई है। लगातार यहाँ भी आज भी बारिश चल रही है, इस समय भी बारिश चल रही है। लगभग 2 घंटे हम रेलवे ट्रैक पर रहे हैं और बारिश की वजह से हमारा ये तुम्हारे की जो प्रोग्राम है ये थोड़ा फीका रहा है। और इसमें भी इतनी बारिश में भी हम पूरी तन्मयता से यहाँ लगे हुए हैं, और जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का अग्रिम आदेश रहेगा, हम उसमें तन मन धन से लगे रहेंगे। राष्ट्रीय आह्वान पर रेल रोको अभियान को लेकर के क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? सरकार से ये मांग करना चाहेंगे, जल्द से जल्द तीनों कानून, काले कानून वापस लिए जाएँ, MSP पे गारंटी कानून बना जाए, और जो लखीमपुर में किसानों की हत्या हुई है उसका जो पिता है आशीष का, उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। जब तक उसको बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक लगातार ऐसे धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे।